हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और अभी हम लोग बात करने वाले हैं मनी हाइट्स की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी दो घंटे पहले ही मनी हाइट्स का टीजर लॉन्च हुआ है जिसकी लेंथ करीब है 25 सेकंड। और जो 25 सेकंड का टीजर है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स छुपी हुई है जो हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसा हम सभी लोगों को पता है कि मनी हाइट बहुत ही फेमस सीरीज हो चुकी है और अगर इसके नंबर्स की बात की जाए तो इसको करीब 70 मिलियन टाइम देखा जा चुका है। ऐसी ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उन सीरीज को कवर किया है जिसको सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स पर देखा गया है, तो मैं इसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप जाकर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। तो अब हम मनी हाइट्स की टीजर की बात करते हैं। जैसा हम सभी लोगों को पता है कि मनी हाइट्स वॉल्यूम 2 की रिलीज डेट 3 दिसंबर है। ये शो फेमस है इसकी हाइप के लिए, तो हमें फ्यूचर में बहुत सारे टीजर्स और ट्रेलर्स दिखने वाले हैं जो हाइप को बरकरार रखेंगे। और इसके एपिसोड्स की बात की जाए तो हमें करीब 5 एपिसोड्स मिलने वाले हैं। वेल, जो टीजर को है ना, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से बताया गया है जिसमें आपको एक्साइटमेंट तो मिलता है बट स्पॉयलर्स नहीं मिलते। तो जैसे ही टीजर स्टार्ट होता है तो हमें प्रोफेसर की आवाज सुनाई देती है, इन लास्ट कुछ घंटों में मैंने अपनों को खोया है बट बिकॉज ऑफ द हाइस्ट मैं ऐसा आगे नहीं होने दूंगा। और अगर इस सीन की बात की जाए तो ये सीन पूरा इमोशनल मूवमेंट से भरा होता है और नेक्स्ट सीन ऐसा लगता है कि वॉर जैसा सीन क्रिएट हो गया है और लिस्बन को आर्मी ने पकड़ लिया है। वेल, इस टीजर को देखने के बाद समझ में आता है कि प्रोफेसर के पास अभी भी कोई सीक्रेट प्लान पड़ा हुआ है जिसके बारे में हम लोग सभी क्लूलेस हैं। वेल, प्लान क्या है वो तो हमें नहीं पता बट हमें ये पता है इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। और जितनी मुझको लीड्स मिली है, एक और मेजर बंदे की डेथ होने वाली है। आई होप तो ये गलत हो। और पिछले कुछ सीजन्स में हमें प्रोफेसर सिर्फ अपना दिमाग चलाते हुए दिखाई दिए हैं, एक्शन बहुत ही कम था बट नेक्स्ट सीजन में आपको एक्शन मिलने वाला है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के बाद, तब तक के लिए बाय।